गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अजय गुंडावर, केमिस्ट्री फैकल्टी. टुडे विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन और एस्प्रिन फॉर्मेशन. ये कहां पड़ते हैं रिएक्शन? एक तो लास्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में यूज होगा. ओके, सेकंड फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड जो बनेगा वहां से कंटिन्यूएशन रिएक्शन. ओके, सो फर्स्ट इसमें भी रिएक्टेंट क्या लेते हैं अपन? यहां रिएक्टेंट लेते हैं बेटा फिनॉल. फिनॉल आते ही इसमें रिएक्शन होना है तो फर्स्ट क्या लेते हैं? बेस. बेस के प्रेजेंस में फिनॉल क्या बनेगा? फिनॉक्साइड बनेगा. बेस के प्रेजेंस में फिनॉक्साइड. क्यों? ये बेस क्या करेगा? फिनॉल के अंदर का हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. एब्स्ट्रैक्ट करते यहां से क्या बनेगा? वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, अपने को बनेगा फिनॉक्साइड. ओके, नाउ फिनॉक्साइड अगेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+. तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या मिलेगा अपने को? कार्बन डाइऑक्साइड में रहेगा COO, ओके, और CO2. बट क्या रहेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड. ये क्या होगा? डबल बॉन्ड जब माइग्रेशन हो जाएगा तो अपने को पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा. तो ये कहां अटैक करेगा? ये अटैक करेगा आर्धो और पैरा पोजिशन पे. अपन ले लेते हैं यहां ये वाला आर्धो पोजिशन वाला. ओके, तो सिंपली सी डबल बॉन्ड ओ एच C6H4OHCOOH. इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैलिसिलिक एसिड. ऑलरेडी ये रिएक्शन पड़े हैं, इसके पहले मैकेनिज्म में देखो, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ओके, नेक्स्ट अगेन देखो, यहां जो CO2 यहां सब्स्टिट्यूट हो गए, यहां का हाइड्रोजन इसके ऊपर, यहां का H+ यहां, तो ये तो बन गए. अभी फिर से ये क्या करेगा? एक बेस के साथ रिएक्शन करेगा. फिर से बेस किसको अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है? H+. तो ये क्या बनेगा? फिर से O-COOH. अभी ये इंपॉर्टेंट स्टेप है. ये वाला स्टेप में आपको रिएक्शन करने के लिए यहां लेना है एक तो एसिटाइल क्लोराइड और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड. ओके, सो दोनों में से अपने को क्या निकल सकता है? इलेक्ट्रोफाइल. ओके, इलेक्ट्रोफाइल कहां से? देखो, यहां का इलेक्ट्रॉन इस तरफ अगर माइग्रेशन हुआ है तो माइनस, यहां प्लस, ये वाला माइनस प्लस. सो कौन सा भी एक ले लो, ये वाला पॉजिटिव किसके ऊपर अटैक करेगा? ये अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर. ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करते क्या बनेगा? C6H4 O C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड OH. इसको क्या बोलते हैं? आर्धो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. आर्धो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. और सिंपली इसको क्या बोलते हैं? एस्पिरिन. सिंपली क्या बोलते हैं? एस्पिरिन. सो देखो बच्चों, यहां फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद बेस सिंपली विल गेट फिनॉक्साइड. नाउ फिनॉक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड सिंपली विल गेट सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड अंडरगोस अगेन रिएक्शन विद बेस. नाउ बेस अब्स्ट्रैक्टेड वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस फिनॉलिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप विल गेट एन, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है क्या? नहीं, न्यूक्लियोफाइल. ओके, नाउ इन दिस स्टेप एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड एनीवन ओके रिएक्ट विद दिस नेगेटिव पार्ट, बिकॉज एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड रिलीजेस इलेक्ट्रोफाइल. नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल सिंपली विल गेट OC डबल बॉन्ड O. इट इज एन एस्टर. ओके, सिंपली इट इज कॉल्ड एज आर्धो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
एस्पिरिन। ये रहेगा बच्चों एस्पिरिन फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एस्पिरिन फॉर्मेशन। ओके, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।